शायद आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, लेकिन और मुझे यकीन है कि आपने इस पर ध्यान जरूर दिया होगा, ये हमेशा इतना आसान नहीं होता। तो आप इसे प्राप्त करने के लिए एक ठोस नींव कैसे डालते हैं, वास्तव में ऐसा जीवन जीने के लिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करता हो। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताज़ा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अक्सर हमारा बुरा व्यवहार, हमारा पाप हमें वास्तविकता से अलग कर देता है और फिर उस एक प्रलोभन में हम पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे आप ही एक हैं। खैर, आज ये खुलासा करते हैं, केवल आप ही नहीं, मैं भी। और ये किसी के साथ भी होता है और हर किसी के साथ होता है जो यीशु के पीछे चलने के लिए अपना दिल लगाते हैं। ये प्रेरित पौलुस के साथ भी हुआ, जिसने एक बार लिखा था, मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ जैसा मैं करता हूँ। मैं वो अच्छा नहीं करता जो मैं करना चाहता हूँ और मैं वो बुराई करता हूँ जिससे मैं घृणा करता हूँ। रोमियो 7:15 में ये लिखा है। सवाल यह है कि हम इसे कैसे बदल सकते हैं, हम जिस बुराई से घृणा करते हैं उसे करना कैसे बंद कर सकते हैं और उस भलाई को करना शुरू करें जो हम करना चाहते हैं। खैर, ये सब हमारे दिल के अंदर गहराई से शुरू होता है। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 19:14 में, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। जिन चीज़ों पर आप ध्यान करते हैं वे ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप बोलेंगे और करेंगे। और यहाँ भजनकार अपने विचारों और शब्दों दोनों के लिए परमेश्वर के प्रति एक गहरी लालसा व्यक्त कर रहा है कि वो अपने प्रभु को जो उसकी चट्टान और उद्धार करता है स्वीकार्य हो। आप कितनी बार ये प्रार्थना करते हैं, आप कितनी बार परमेश्वर के पास जाते हैं और आप जो कुछ भी हैं उसके साथ इस तरह प्रार्थना करते हैं, मेरे मुख्य वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। ईश्वरीय जीवन जीने में आपकी मदद करने के लिए ईश्वर को आमंत्रित करें। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।